विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रूपए, नकद या आसान अकसात पर। नेटको फार्मा, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल कंपनीज के करीब, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स। ऑफिस एड्रेस बिसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, हैदराबाद। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9246882400, 9505704041। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। आप सभी का खैर मकदम है AA3 तेलंगाना न्यूज पर। आज बरोजे मंगल यानी ट्यूजडे बतारीख 22 नवंबर का दिन है। आइए देखते हैं AA3 तेलंगाना न्यूज का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। क्या आपका खाना किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया जाता है, या गली के किराने स्टोर राशन में मिलावट करते हैं गैर कानूनी तरीके से? क्या राशन और खाना हाइजीनिक होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, कई बरसों में ऐसे कई वाकयात पेश आए हैं। कई हैदराबादी शहरियों के पकवान और बर्तनों में मुर्दा कीड़े, कॉकरोचेस, घर की मक्खियां और यहां तक के चूहे देखे गए। कई ऑफिशियल्स अलर्ट हुए लेकिन सख्त एक्शन नहीं ले पाए। दूसरों को मजबूर किया गया कि वो इस बात से बेखबर रहे और इसकी शिकायत किसी से ना की जाने को कहा गया और शहरियों को इल्म नहीं था। अब हर मोबाइल वैन में एक FSO, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और ड्राइवर होगा। ये मोबाइल लैब जो 50 से ज़ायद फूड कैटेगरीज की जांच कर सकती है, दूध, पानी, तेल और रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली दिगर अशिया, खुर्दोनोश में आम मिलावट का पता लगाने के लिए आसान टेस्ट करेंगे। अगर शहरियों को पता चलता है कि इन्हें जो खाना पेश किया जाता है वो गैर सेहत बख्श है, तो वो 0402111111 पर डायल करके GHMC कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शहरी इदारों में साफ पानी की आदम फरहमी के ताल्लुक से बासी राशन और मंगनुआ प्लास्टिक कवर के इस्तेमाल जैसी खिलाफ वाजियों की शिकायत भी कर सकते हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पीर के रोज ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खसूसी मुहिम शुरू की है। खास तौर पर गलत साइड ड्राइविंग और ट्रिपल सवारी के खिलाफ ये ड्राइव मुनक़िद की जा रही है। ट्रिपल सवारी के लिए 1,200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। गलत साइड पर गाड़ी चलाने पर 1,700 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल चलाने वालों के दरपेश मसाइल को देखते हुए हमने यूटर्न को लाजमी करने का फैसला किया है ताकि तकलीफ से बचा जा सके। साइबराबाद पुलिस मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के मैदानों में जमा की गई मुख्तलिफ अकसाम की 504 लावारिस व लावारिस गाड़ियों की नीलामी करेगी। अहदेदारों ने ऐसे लोगों को हिदायत दी कि जिनको उन गाड़ियों में से किसी के ताल्लुक से कोई एतराज या दिलचस्पी हो सकती है, वो साइबराबाद कमिश्नरेट मुतालिका पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO के सामने दरख्वास्त दाखिल करे। एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। भदादरी कोतागुड़ियम जिले में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान कबाइलियों ने मिलकर एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल श्रीनिवास राव को रिजर्व्स जंगलात पर तजावेजात पर काबू पाने के लिए KVS बाबू IFS मेमोरियल गोल्ड मेडल से नवाजा गया। CMKCR ने नकद रकम में एक FRO की हलाकत के बाद 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और उनके रिश्तेदारों को नौकरी देने का ऐलान किया। उन्होंने DGP महेंद्र रेड्डी को भी हुक्म दिया कि वो मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं।